बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एमएस इस्लामिक मूवी स्टूडियो से आप अहम वीडियो देखते रहते हैं। आज हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान, जो कि तकबीर कॉन्फ्रेंस 28 मई बरोज इतवार शाम 5 बजे का वक्त दिया गया था। और बिल्कुल आप पीछे देख सकते हैं, इस वक्त अवामुन्नास का समुंदर आपको नजर आ रहा है। और बिल्कुल कायदीन हजरात जो है वो खिताब करेंगे, और बिल्कुल जिस हवाले से खिताब करेंगे हम आपको कुछ झलकियाँ लाजमी दिखाएंगे। और आइए चलते हैं, बल्कि अंदर और बाहर लोग कहते हैं कि लोग गिनो, हम कहते हैं नहीं लोग नहीं बसें भी गिनो। यानी कि जिस हवाला से आज यहाँ पे मामला चलेंगे, इंशाल्लाह खिताबात होंगे, हम आपको दिखाएंगे लम्हा बलम्हा। आइए चलते हैं। हम तकबीर का नारा लगाएंगे, पाकिस्तान के बेटे हैं जो बे तकबीर मनाएंगे, तकबीर का नारा लगाएंगे। चले जी, आइए चलते हैं। आए चलते हैं। सब कैसे तबीयत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपकी सारी वीडियोस देखते हैं। जितना आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, ये इस दौर में बहुत बड़ा काम। इधर देखिए, नाजरीन भी आपको देख रहे हैं सामने। बिल्कुल जी नाजर, माशाल्लाह जितना अच्छा। सॉरी जी, कोई मसला नहीं। बोले आप अपने। मेरा नाम साजिद है, मैं आप साहब की सारी वीडियोस देखता रहता हूँ। माशाल्लाह जिस तरीके से ये कवरेज करते हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और माशाल्लाह से इस दौर के अंदर जितना बड़ा ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। शुक्रिया। पाकिस्तान के ग्राउंड में तो मौजूद है। किसी ने कहा था ये देखें अवाम गिने कितनी है, मैं कहता हूँ अवाम नहीं, आज यहाँ की बसें भी गिने। अल्लाह अकबर, बसें गिने, बसें गिनती में आ रही। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि बाहर अवाम का जमे गफीर है, उसके साथ साथ बसों का भी जमे गफीर है। और माशाल्लाह खाली बसें नहीं, जो कारकुनान है, मुहिबीन है, वो अपनी मोटरसाइकिलों पर, कारों पर, बसों पर और अपनी घरेलू जो सवारियां हैं उस पर माशाल्लाह अपनी खवातीन बच्चों के साथ यहाँ पर। खवातीन भी आई हैं। जी खवातीन भी आई हैं माशाल्लाह। उनके लिए भी इंतजाम किए गए? उनके लिए भी इंतजाम है, वो मतलब इतने ज्यादा तो नहीं है लेकिन कम है, लेकिन खवातीन भी हम यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद है। आप पढ़ता आई है। और जी जी, मैंने सिक्योरिटी के हवाले से भी देखा है, अगर जेंट्स पुलिस वाले हैं यहाँ पे, लेडीज पुलिस वाले भी, लेडीज पुलिस भी मौजूद है माशाल्लाह। हैं तो वो है। जी जी अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, आप एमएस इस्लामिक मूवी चैनल कैसे समझते हैं, मतलब आज ये मीनार पाकिस्तान को? माशाल्लाह महमूद भाई हर जगह वहाँ पे पहुँचते हैं और इंक्वायरी वगैरह करते हैं। जिस तरह एक मीडिया का चैनल होता है, ये इस तरह माशाल्लाह यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। हमारी बहुत सी दुआएं इनके साथ हैं और ये हमसे बड़ा प्यार करने, बल्कि हर प्रोग्राम के साथ, हर जो है ना मरकजी मुस्लिम लीग है, कोई भी प्लेटफार्म हो वहाँ पे माशाल्लाह पहुँचते हैं। नहीं, कोई भी प्लेटफार्म हो और माशाल्लाह उसकी जो है ना वीडियो कवरेज करते हैं और उसके साथ साथ उनका पूरा जो है उनके साथ प्यार बांटते हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल। कारी अब्दुल वहाब अजीजी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब के शागिर्द खास थे। और बिल्कुल हम आपको कैमरा मैन अगर दिखाए, मीनार पाकिस्तान में इस वक्त प्रोग्राम भी शुरू है। और बिल्कुल ये जिस हवाला से माशाल्लाह अवामुन नास का समुंदर, ये हम दरमियानी मेरे ख्याल से ग्रीन बेल्ट जी जो मेन है, ये हम इस वक्त ग्रीन बेल्ट जो है वहाँ पे मौजूद है। इस वजह से यहाँ पे अवाम नहीं, अवाम बिल्कुल साथ साइड में है। जी बिल्कुल। अच्छा, पार्क में है, यानी कि ये तो एक जगह बैठने की नहीं है यहाँ मेन। और बिल्कुल, और ये सामने मीनार पाकिस्तान और स्टेज के बिल्कुल सामने, मतलब जो कवरेज वाला मेन जो पॉइंट है। जी जी बिल्कुल। और बिल्कुल इसी हवाला से मैं तो कहूँगा कारी साहब हमारे साथ आज घूमते रहे पूरे पार्क में, दिखाते रहे, इनको कहें हमारे साथ जी आए। आए जी, आए जी, ये कैमरामैन भाई हमारे साथ आते हैं, इंशाल्लाह हम आपको इधर की भी कवरेज देते हैं। जी जी जी, आ जाए जी, आ जाए आसिफ भाई, आ जाए जरा माशाल्लाह जी। कारी अब्दुल वहाब अजीज साहब इसको लगा लें क्योंकि आप थक ना जाए, ये अवाम का जमे गफीर दिखाएं जी। ये देखिए जी माशाल्लाह हर तरफ जो है वो आहिस्ता से आप घुमाते जाएं।
तराने गूंज रहे हैं और माशाल्लाह लोग जो है ये देखे कुर्सियां उठा के आगे जगह तलब कर रहे हैं कि हम स्टेज के करीब हो जाए। और एक और चीज महमूद भाई जो मैंने नोट की है, मरकजी मुस्लिम लीग ने माशाल्लाह अपने शहदा की जो तस्वीरें हैं और उनको मतलब अपने शहदा को याद रखा है इस 28 मई के दिन में जो यादगार है, वो हमारे मोहसिन बुरहान मानी शहीद रहिमहुल्लाह उनकी जो फोटो है और इसी तरह अपने योम तकबीर के हवाले से नाजरीन हमारे जो है मौजूद है इस वक्त और जिस हवाला से हम देख रहे हैं बिल्कुल हमारे शुहदा की भी यहाँ तस्वीर, लियाकत अली खान साहब की भी यहाँ तस्वीर, मतलब इन्होंने पैगाम बड़ा अच्छा पैगाम दिया जी माशाल्लाह। और योम तकबीर यानी कि 25 साल के करीब हो गए हमें एटमी ताकत बने हुए। जी जी बिल्कुल बने हुए और बिल्कुल ये हमें तोहफा देने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह और बिल्कुल अल्लाह की तौफीक से। और ये हम दिखा रहे हैं आपको थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ये हम काफी ज्यादा पीछे हैं इस वक्त और इसी हवाला से हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा ये यहाँ पे सियासी कायदीन भी, दीनी कायदीन, सियासी भी कायदीन और तकरीबन हर जमात के जो माशाल्लाह हर मसलक से तल्लक रखने वाले जो माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह जमा होंगे और आज आपको खिताबात करेंगे इंशाल्लाह। जी जी वो भी हम देखेंगे और बिल्कुल हम चलते हैं, हम आगे भी दिखाते हैं जिस कदर हो सके इंशाल्लाह जाएंगे स्टेज की तरफ रवाना हुआ है। और ये तो हम एक साइड पे हैं ठीक है जी और बिल्कुल ये हम आपको दिखाते हैं जी, कैमरामैन आपको दिखा सके ये बिल्कुल ये देखें जी माशाल्लाह ये देखे माशाल्लाह जमात जो है लोगों का वो जमे का बिल्कुल ये थोड़े से अरसे की मतलब आपकी जो है मैं कहूँगा एक माह भी तकरीबन शायद नहीं हुआ। जी जी एक माह से भी कम की जो है ना ये मेहनत है और कोशिश है और इसकी प्रोग्रेस का जो नतीजा माशाल्लाह वो आपको नजर आ रहा है कि आवाम का जमे गफीर है माशाल्लाह। जी जी जो हमने इंतजाम किए थे उससे ज्यादा हमें जो है ना वो सबर मिल रहा है। कारी अब्दुल्सलाम अजीज साहब के शागिर्द खास कारी अब्दुल वहाब अजीज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल इस पार्क की जो है हम सैर भी कर रहे हैं और जिस हवाला से हम आपको कायदीन के खिताबात भी सुनाएंगे और बिल्कुल कैमरामैन को हम कहेंगे कि जरा ये अपनी जिम्मेदारी संभालें। जी आए अब्दुल वासिफ भाई हमारे साथ माशाल्लाह ये कैमरामैन। जी जी आए आज वासिफ भाई साथ साथ आ जाइए। अच्छा जी जहाँ पे मतलब हर तरफ रश है ये हम गुजर भी रहे हैं, मतलब मैं कहता हूँ ये हम बहुत पीछे हैं जी और अब हमें आप किस तरफ लेके चलेंगे ये जो मेन है जी ये जो तकरीबन बिल्कुल स्टेज की तरफ सीधा रास्ता जा रहा है। जी जी तो इसी तरफ से हम इंशाल्लाह स्टेज के करीब जा सकते हैं। जी जी ठीक है जी हम चल रहे हैं जी जिधर ये कह रहे हैं भाई कारी मतलब आप अजीज साहब, कारी साहब आप आगे हो किधर है जी आ जाए ये रास्ता इंशाल्लाह आ जाए तारीफ है कारी अब्दुल वहाब अजीज साहब ये मरकजी मुस्लिम लीग जो है ये किस हवाला से मतलब यार इतने मुनज्जम जमात माशाल्लाह मैंने तो बाहर देखा ये अपनी सिक्योरिटी नाजरीन बिल्कुल हम आपको बताते हैं कि ये अगर फर्ज करें रोड ब्लॉक होते थे इनकी अपनी सिक्योरिटी के नौजवान बसों से निकल कर वो कहते थे कि जी अपनी लाइन में आप जो है अपनी बसें रखें जो अवामुन्नास है उनको तंग ना किया जाए। बिल्कुल ये इसी वाला से जी बिल्कुल अवामुन्नास को सिक्योरिटी के वाले से जो ऐसे होता है कि सर्चिंग की जाती है अभी माशाल्लाह उन्होंने मशीनें लगाई हैं। बसों की मैं बात कर रहा हूँ बसें जब गुजरती है रास्ते से रास्ते राहगीरों को तंग नहीं किया जाता। जी बिल्कुल ये जो पीछे हमारे लारी अड्डा है तो यहाँ से जितनी भी बसें मुसाफिर निकल रहे हैं उनका रास्ता मतलब उनका अलग रास्ता छोड़ दिया गया है और पार्किंग के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं ताकि आवाम तंग ना हो सके। चले जी आइए चलते जी, आए चलते हैं सब कैसे है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी सारी वीडियोस देखते हैं जितना आप अच्छा काम कर रहे हैं ना ये इस दौर में बहुत बड़ा काम। इधर देखिए नाजरीन भी आपको देख रहे हैं सामने बिल्कुल जी नाजर माशाल्लाह जितना अच्छा सॉरी जी कोई मसला नहीं बोले आप अपने मेरा नाम साजिद है मैं आप साहब की सारी वीडियोस देखता रहता हूँ माशाल्लाह जिस तरीके से ये कवरेज करते हैं मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और माशाल्लाह से इस दौर के अंदर जितना बड़ा ये काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। शुक्रिया जी शुक्रिया मेहरबानी जी शुक्रिया गारी साहब ये आप लगाए शुक्रिया शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम चले आए जी आए नाजरीन चलते हैं हम और कारी अब्दुल वहाब अजीज साहब देखते हैं आप हमें कहाँ लेके जाना चाहते हैं कैमरे को जरा सिक्योर दी आप भी आ जाए भाई
अरे साहब कहाँ लेके जाएंगे आप? कैमरा मैन किधर चले गए? आगे आगे जी, आगे आज आज नाजरीन आगे। जैसे जी माशाल्लाह, जैसे जैसे हम स्टेज के करीब जा रहे हैं महमूद भाई, रश जो है ना वो माशाल्लाह और ज्यादा है यहाँ पे। और जानने वाले मतलब माशाल्लाह हर तरफ। ये देखिए महमूद भाई फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं, तो ये समझते कि यार यहाँ कोई भाई नहीं मिलेगा, तो माशाल्लाह लोग इनसे कह रहे हैं कि यार एमएस जो है वो माशाल्लाह बड़ा काम कर रहा है। ये जी मेहनत बोलती है, लेकिन अल्लाह मैं ना तकबर गुरूर ना लाए। आइए वैसे तकबर गुरूर जो होता है वो इंसान की नेकियों को खा जाता है। जी बिल्कुल, ये सबसे पहले अल्लाह की रहमत है जी, अल्लाह की रहमत, वालदैन की दुआएं और आपकी मेहनत है माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन आप हमें जैसे जैसे हम स्टेज के पास जा रहे हैं हमें तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। अब सब कहां से लेके जाएंगे? बस इसी तरह यार वापस ले जाएंगे हमें। आज आ जाए इंशाल्लाह। रास्ता जो है वो बंद होता जा रहा है जैसे जैसे हम स्टेज के करीब जा रहे हैं, बस प्यार में हिसाब ले जाए ना। कोशिश करते हैं इंशाल्लाह करीब तक करीब जाए। हाँ जी बिल्कुल। कहानी तवील है, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दो दो चार चार जुमलों में आपको सुनाएंगे ताकि आपके आने का मकसद पूरा हो। अरे सब आप भागते जा रहे हैं माशाल्लाह। नमाज का वक्फा साधा जी, अभी फिर मगरिब का नमाज का वक्फा था जी, मगरिब का नमाज का था और मगरिब और ईशा इन्होंने जमा की है जी जी। और दोनों नमाजों के बाद अब माशाल्लाह फिर प्रोग्राम उसी तरह जो है ना वो आवाम बैठ की है। नमाज के लिए वक्फा था और नमाज के बाद बकायदा प्रोग्राम का आगाज हुआ है मगरिब और नमाज आइए। हेलो नाज़रीन आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए इंतहाई मोहतरम चौधरी खालिद महमूद सिंधु साहब सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, मेरे देखिए जी आप सकते जा सकते हैं और बिल्कुल नाजरे के यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक हम बोल सकते हैं। मतलब हमें बाल लगी हुई है, मतलब हमें आगे से कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आवाम नाज का जमे गफीर इतना है कि आप आगे नहीं जा सकते। और बिल्कुल नाजरीन आपको हम जिस तरह की कमीज दिखाते हैं अच्छा बताइएगा, मतलब ये अवामुन्नास कहाँ से आप लेके आए? ये जी माशाल्लाह पूरे पंजाब से जो है ना जी सबसे कारकुनान यहाँ पे तशरीफ फरमा है और इसके साथ साथ ड्रोन के साथ जो इसकी कवरेज भी माशाल्लाह की जा रही है और महमूद भाई भी माशाल्लाह अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखें स्टेज माशाल्लाह देखें पूरा जो सजा हुआ कायदीन के साथ, और यहाँ पे इतना रश है कि हम यहाँ से गुजरना हमारे लिए मुश्किल हुआ है, तो इधर से एक आदमी के गुजरने की भी जगह नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम पहुंच सकते थे वहां तक स्टेज के करीब आ गए। इससे आगे बाढ़ है तो यहाँ से इंशाल्लाह हम आपको स्टेज की कवरेज देंगे। मैं ये समझता हूं कि बादशाही मस्जिद भी बैठे हैं। और एक और चीज है कि आवाम जो पीछे थी बादशाही मस्जिद के खतीब भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। और जो हम तो आगे आगे, लेकिन एक चीज मैंने नोट किया महमूद भाई के आवाम जो पीछे आवाम उनके लिए बड़ी बड़ी एलसीडियां लगाई गई हैं जिनकी वजह से उन्हें तंगी भी ना हो और जी आगे वाले को तंगी स्टेज उनको नजर आता रहे, कायदीन वगैरह नजर आए। आवाज तो माशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान के पंडाल से बाहर जा रही है, तो इसकी कवरेज के लिए जो है वो उन्होंने बड़ी बड़ी एलसीडियां लगाई हुई है ताकि आवाम उसको सुन सके और देख भी सके। बड़े बड़े जलसे देखे हैं, लेकिन आज मरकजी मुस्लिम लीग ने माशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो तकबीर कॉन्फ्रेंस जो माशाल्लाह स्टेज पर बहुत बड़ी फ्लेक्स हमें नजर आ रही है और उसके ऊपर नजरिया पाकिस्तान ही बकाया पाकिस्तान है। तो आप देख सकते हैं ड्रोन की कवरेज की जा रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि इतनी आवाम है कि मीनारे पाकिस्तान आज करीब लग रहा है। मीनारे पाकिस्तान छोटा हुआ है, मीनारे पाकिस्तान खतीब लग रहा है, छोटा लग रहा है वैसे खतीब लग रहा है, खतीब तो लग रहा है जितने उस पर बैठे हुए हैं खतीब और कायदीन बैठे हुए हैं।
मैं समझता हूँ कि मीनारे पाकिस्तान पर बहुत जोर पड़ा हुआ इस टाइम नाजरीन, और वो फिर भी खड़ा हुआ है। मीनारे पाकिस्तान खतीब लग रहा है, ये बम नास्त है। मीनारे पाकिस्तान भी आज खतीब लग रहा है जी। नाजरीन बिल्कुल एमएस इस्लामिक मूवी स्टूडियो जिस हवाले से काम करता है, आपको इस चीज का इल्म है और बिल्कुल ताकत कर रहा है। आज हमें मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड की सैर करवा रहे थे, जिस हवाले से करवा रहे थे आप बिल्कुल पता है, और जिस हवाले से हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की आपको बिल्कुल ये पसंद आएगी। और मजीद जो है हम कोशिश करेंगे यहाँ से जितने भी व्यू हो सके और बिल्कुल इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे और वहाँ। बस ये देखो हम यहाँ से बैठे हुए हैं तो भाई जो है ना वो गुजरते धक्का हमें भी दे रहे हैं, ठीक है। वो मतलब जब तंग होंगे तो हमें धक्के दे के जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह कवर की हुई है। अच्छा ठीक है नाजरीन, बिल्कुल हम आपको मजीद भी इस तरह की वीडियो दिखाते हैं, आइए चलते हैं।